टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के एक पत्रकार को बिल्डर ने धमकी दी है, इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक चैनल के पत्रकार लाल मोहम्मद ने दी है। लाल मोहम्मद ने बताया कि शिलफाटा पर एक अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिस पर लाल मोहम्मद को धमकी मिली है। लाल मोहम्मद ने कहा है कि अगर उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। लाल मोहम्मद भाई, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रखी गई है, क्या वजह है इसमें? सबसे पहले इस्लामुद्दीन भाई, ये मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रखने की वजह ये है कि जो शिलफाटा मापा रोड है, इस रोड के ऊपर अवैध बांध काम बहुत ज्यादा हो रहा है और जो लक्की कंपाउंड है, आप लोगों ने शायद डाला था न्यूज में और आपने देखा भी रहेगा कि लक्की कंपाउंड में किस तरीके का एक बड़ा हादसा हुआ था और जस्ट उसी के सामने यह बांध काम किया जा रहा है। 12 गालों का निर्माण जो है ये किया जा रहा है बांध काम। इसके खिलाफ हमने अर्जी दी थी महेश आय को, दीवा प्रवाह समिति को और डाइगर पुलिस स्टेशन को और 4 दिन का हमने टाइम दिया था इनको कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और ये हमारी मांग थी। तो जब से मैंने लेटर दिया, जब से बहुत सारे बिल्डर के, बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आने चालू हो गए, एक अपने अपने तरीके से जो है, एक अपने अपने अंदाज में लोगों ने जो भी मुझसे कहना था कहा, लेकिन बगैर मैं डरे हुए और बगैर किसी झिझक के जो है मैं ये आवाज उठाया हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज जो है हमारी ऐसे ही रहेगी और हमारी सिर्फ एक मांग है कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके ऊपर ना कार्रवाई करते हुए कल हमको मजबूरन जो है कलेक्टर ऑफिस में एक लेटर मुझे देना पड़ा। मैंने कलेक्टर साहब से पर्सनली मिल के और मैंने उनको लेटर दिया हूँ और TMC कमिश्नर को मैंने लेटर दिया हूँ और DCP साहब को मैंने लेटर दिया हूँ, डाइगर पुलिस स्टेशन में लेटर दिया हूँ कि मैं 5 तारीख को भूख हड़ताल पर बैठूंगा और उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह बता दूं मैं इस्लामुद्दीन भाई की, कार्रवाई जो है जिस तरीके से TMC करती है कि छत के ऊपर होल गिरा देना, दीवार तोड़ के निकल जाना और जैसे ही ये निकलते हैं बिल्डर तुरंत फिर काम करना चालू कर देता है, मुझे कार्रवाई उस तरीके से नहीं चाहिए। मुझे कार्रवाई पूरी तरीके से चाहिए कि जमीन धुस करके जो है पूरा ये पूरी बिल्डिंग जो है, ये पूरी दुकानें गिराई जाए और ये जो भी बिल्डर काम कर रहे हैं, 3 बिल्डर हैं इसमें, इनके ऊपर MADP का मामला जो है दर्ज किया जाए और जब तक ये नहीं हमारी मांग पूरी होगी, जब तक जो है मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं ये हक के लिए लड़ते रहूंगा। मैंने लेटर भी दिया इस्लामुद्दीन भाई, आपको दिखा रहा हूं मैं, ये DCP साहब को, ACP को और कलेक्टर साहब को, जैसे हमने कहा सबको मैंने लेटर दिया हूं। और 5 तारीख को हमारा क्रांतिकारी पत्रकार संघ के लोग और हमारे मुमरा कौशा के पत्रकारों से खास करके मैं अपील करूंगा कि हमारा इस लड़ाई में साथ दें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं ताकि हम ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ सके। लाल मोहम्मद भाई, ये बिल्डर भी ऐसा आरोप लगा रहा है आपके ऊपर कि आपने कहा था कि जो है ये जो बनाया जा रहा है यहाँ पर, इसमें मुझे पार्टनर में लिया जाए और उन्होंने आपको पार्टनरशिप में नहीं लिया क्योंकि उनका कहना है कि आपने पैसे नहीं लगाए तो क्यों पार्टनर में लूँ, तो उसके बाद फिर आप नाराज होकर जो है ये कार्रवाई वगैरह करवा रहे हैं। इस्लामुद्दीन भाई देखो, जब कोई बात होती है एक सिक्के का 2 पहलू होता है, जब कोई बात होती है तो आदमी सच हो चाहे गलत हो आरोप तो लगाता ही है। आज मुझे बताओ कि कितने पत्रकार जो पार्टनरशिप की औकात है और कितनी ताकत है जो पार्टनरशिप किसी बिल्डर के साथ करके बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, आप मुझे बताइए जरा। ये आरोप लगा देना और कह देना, प्रूफ लेके आओ वो बताओ मुझे तो मैं मान जाऊंगा, ये सब आरोपों की बात है। और ये आज हमारी इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में मिल गए और काम करूं और मैं बिल्डिंग बनाऊं, मेरा ये काम पार्टनरशिप में नहीं। उनका कहना था कि आप बोले थे कि मुझे पार्टनर मिलो इसमें, हाँ, बिना पैसा लगाए नहीं, क्यों? लेकिन कोई क्यों लेगा इस्लामुद्दीन भाई, एक सोचने जैसी बात है, कोई क्यों लेगा बगैर पैसा लगाए हुए पार्टनरशिप में? तो वही उनका कहना है कि आप ऐसा मांग किए थे उन्होंने, नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं, अभी बचने के लिए बातें हैं। अगर ये सब बातें थी या कुछ भी ऐसा था तो उसका प्रूफ लेके आप मुझे बताओ। तो आगे आपकी क्या लड़ाई? मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, इसके ऊपर कार्रवाई का मैं मांग किया हूँ और कार्रवाई जब तक नहीं होगी। डेट फिक्स की है कुछ, डेट वगैरह फिक्स है? 5 तारीख को परसों के दिन
मैं दिवा प्रभा समिति के सामने भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होगी जब तक मैं वहां से हटूंगा नहीं।